सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स इंग्लिश स्पोकन सीरीज की हैज़ 12 वीडियो है, जो हैज़ 11 वीडियो है मैं बना चुका हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स जो ये वाली सीरीज चली हुई है, इसमें हम न्यू न्यू स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप जानते हैं अच्छे जानते। जो न्यू व्यूअर है वो नहीं पता है वो भी देख लीजिए। जो हम इंग्लिश स्पोकन की जो सीरीज है उस पर हम न्यू न्यू स्ट्रक्चर सीखते हैं और हम वोकैब भी सीखते हैं। किसके जरिए? न्यूज़पेपर के जरिए। न्यूज़पेपर की जो सीरीज़ है वो भी चली हुई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो आज की जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। आज का स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड, देखिए, इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल। देखिए इंस्टीड ऑफ का इस्तेमाल हम किस टाइप से करते हैं, आज की वीडियो में हम वो सीखे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रूल देखते हैं। रूल देख लीजिए। देखिए रूल क्या है आपको, देखिए सबसे पहले सेंटेंस बना लेना है सिंपली, जो सेंटेंस पास्ट में है, परफेक्ट में, कोई सा भी सेंटेंस हो आपको बना लेना है, ठीक है। फिर आपको रखना है इंस्टीड ऑफ, फिर प्लस, फिर या तो अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखिए, अगर वहाँ पर कोई वर्ब आ रही है कि मैं ये करने के बदले, तो वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट, मैं कॉफ़ी के बदले मैं चाय पी रहा हूँ। अब देखिए कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले सिंपली जो सेंटेंस जो है बना लीजिए, घबराने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए फर्स्ट, मैं कॉफ़ी के बदले चाय पी रहा हूँ। देखिए आई एम चाय पी रहा हूँ, मतलब टेकिंग, आई एम टेकिंग टी। अब देखिए सिंपली हमने सेंटेंस बना लिया, अब क्या है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है कॉफी, तो कॉफी मैं चाय के बदले यार कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है। सेकंड देखिए, स्कूल जाने के बजाय उसने घर पर ही पढ़ाई की। देखिए पहले से जो है सिंपली तरीके से इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या कर लेते हैं, सिंपली तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए उसने घर पर पढ़ाई की, इतना बना लीजिए, ठीक है, उसने पढ़ाई की। देखिए शी पढ़ाई की, देखिए पास्ट है, पास्ट डेफिनेट, तो क्या लगेंगे सी स्टडीड, शी स्टडीड एट होम, उसने घर पर जो है पढ़ाई की, सेंटेंस सिंपली बन गया ये रहा। अब इंस्टेड ऑफ लगाना है, शी स्टडीड एट होम, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। फिर क्या है फ्रेंड्स, स्कूल जाने के बजाय, अब जाना इसमें वर्ब हो गई, तो गिविंग, सॉरी गोइंग, जाना गोइंग होती है ना। देखिए शी स्टडीड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूले से बनाइए बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तीसरा देखिए, अकेले खाने के बजाय मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खाया। देखिए आप जो सिंपली बनाइए, मैंने दोस्तों के साथ खाना खाया। थर्ड देखिए, आई दोस्तों के साथ खाना खाया, पास्ट डेफिनिट है, तो ईट की सेकंड फॉर्म एट, आई एट द फूड, आई एट द फूड विद माय फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ खाना खाया ना, माय फ्रेंड। फिर क्या फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला के अंदर, सबसे पहले सेंटेंस बना लेना है, फिर इंस्टेड ऑफ रखना है, इंस्टेड ऑफ रख दीजिए, इंस्टेड ऑफ। अब देखिए अकेले खाने के बजाय, अब उसमें क्या है वर्ब की, वर्ब आ रही है खाना, तो यहाँ पर क्या जाएगा ईटिंग ऑफ, सॉरी इंस्टेड ऑफ ईटिंग, मतलब ईट के साथ आईएनजी हो गया, ईटिंग एलोन, क्या जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर एलोन, मतलब अकेले खाने के बजाय जो है मैंने दोस्तों के साथ यहाँ पर क्या किया, खाना खाया। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इस पर, जब भी आपको फीलिंग आती है कि भाई जो है मैंने ये करने के बजाय ये कर दिया, मैंने खेलने के बजाय पढ़ाई कर ली, ठीक है ना, तो आपको जब भी किसी काम के बजाय आप ये कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला जो है यूज़ कर लेना है। जब भी आपको इस तरह की फीलिंग आए तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको वही करना है, 10 सेंटेंसेस इस टॉपिक पर बना लेने हैं और अच्छे से बोल बोल कर प्रैक्टिस इनको इनकी करनी है आपको, जिससे आपके फॉर्मूला जो है टंग पर रट जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय की प्रैक्टिसिंग, थैंक यू मेरे।